हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम टैली की एक एडवांस टीडीएल फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे और ये टैली की काफ़ी अमेजिंग टीडीएल फाइल है। टैली की इस टीडीएल फाइल की मदद से हम सिंपल एक ही क्लिक में अपने सारे के सारे लेजर्स और उनके मास्टर को एक्सेल से टैली के अंदर इम्पोर्ट कर सकते हैं। यानी हमारे जितने भी लेजर्स हैं, एक बार हमने अगर उसकी एक्सेल के अंदर शीट बना के रखी हुई है तो उन सबको विद उनके जीएसटी नंबर हम एक्सेल टू टैली में इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये टैली की कौन सी टीडीएल फाइल है और अब इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे कर लीजिए। आप यहाँ पर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आई टैली, ईवे बिल और जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और आज हम यहाँ पे आपको टैली के एक एडवांस और अमेजिंग टीडीएल फाइल को लोड करके दिखाएंगे और ये टीडीएल फाइल काफ़ी एडवांस टीडीएल फाइल है। टैली की इस टीडीएल फाइल की मदद से हम सिंपल एक ही क्लिक में अपनी पूरी की पूरी एक्सेल शीट के अंदर अपने लेजर्स को टैली के अंदर इम्पोर्ट कर सकते हैं। यानी हमारे जितने भी लेजर्स हैं, उनके मास्टर है, विद उनकी जीएसटी डिटेल हम एक्सेल टू टैली में इम्पोर्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमें एक्सेल के अंदर अपनी एक शीट बना के रखनी होगी जिसके अंदर हमारे सारे सन्डी डेटर, सन्डी कैडर्स, उनके स्टेट, कंट्री और उनका जीएसटी नंबर लिखा होगा और सिंपल एक ही क्लिक में हम उस एक्सेल शीट को टैली के अंदर इंपोर्ट कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको टीडीएल फाइल को लोड करके दिखाएंगे, उसके बाद एक नई कंपनी के अंदर अपने सारे लेजर्स को एक्सेल टू टैली इंपोर्ट करके दिखाएंगे, जिससे आपको पूरी वीडियो क्लियर हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम इस टीडीएल फाइल को लोड कर लेते हैं। तो यह हमारी वो टीडीएल फाइल है जिसका नाम है जीएसटी लेजर मास्टर टीडीएल फाइल। इस टीडीएल फाइल को टैली में लोड करने के लिए सिंपल इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में आइए और सिक्योरिटीज़ वाले टैब में आके यहाँ से इसके फुल नेम को कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से टैली सॉफ्टवेयर में आ जाइए और गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन वाले विंडो पर आ जाएंगे और यहाँ से सिंपल प्रोडक्ट एंड फीचर्स में आ जाइए। प्रोडक्ट एंड फीचर के अंदर आने के बाद राइट साइड में आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है मैनेज लोकल टीडीएल, या तो सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की F4। इस पर क्लिक करते ही आप टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन वाले विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन लोड टीडीएल फाइल ऑन स्टार्टअप, इस पर येस कर दीजिए और नीचे वाला ऑप्शन में आके उस टीडीएल फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। देन सिंपल इस टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन वाले विंडो को एक्सेप्ट करा दीजिए। इसे एक्सेप्ट कराते देखेंगे यहाँ पे हमारी टीडीएल फाइल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। तो आइए अब देखते हैं कि ये टीडीएल फाइल वर्क कर रही है या नहीं। अब इस टीडीएल फाइल को वर्क कराने से पहले हम टैली के अंदर एक नई कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारा कोई भी लेजर पहले से नहीं क्रिएट हुआ होगा और पूरी एक्सेल शीट को हम टैली के अंदर इम्पोर्ट करके दिखाएंगे। तो आइए यहाँ पर एक नई कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं, Alt+F3 क्रिएट कंपनी। यहाँ पर हम कंपनी का नाम लिख देते हैं VKY Malik, टेस्ट कंपनी, सिंपल यहाँ पे स्टेट डाल देते हैं दिल्ली और इसका पिन कोड। देन सिंपल यहाँ से इसको Ctrl+S एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे हम अपनी कंपनी को क्रिएट कर चुके हैं। तो आइए यहाँ पे हमारी दो कंपनी अभी क्रिएट है, तो एक कंपनी को हम शट कर देते हैं, Alt+F3 शट कंपनी, और पुरानी कंपनी को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अभी हमारी टैली के अंदर एक कंपनी ओपन हुई हुई है और यहाँ पर इसके अंदर भी हमारा कोई भी वाउचर क्रिएट नहीं हुआ हुआ। तो आइए एक बार हम लेजर्स भी देख लेते हैं। तो लेजर्स के अंदर आप देखेंगे भी हमारा एक भी लेजर क्रिएट नहीं हुआ। तो जितनी भी हमारी एक्सेल शीट के अंदर लेजर्स होंगे वो सारे के सारे हम टैली के अंदर एक ही क्लिक में आपको इंपोर्ट करके दिखाएंगे। तो उससे पहले हम अपने टैली के अंदर जीएसटी की डिटेल को इनेबल कर लेते हैं, ताकि जो हमारी एक्सेल शीट टैली में इम्पोर्ट हो वो विद हमारे जीएसटी नंबर हो। वही सबसे पहले अपनी जीएसटी डिटेल को इनेबल कर लेते हैं, F11 की, F3 की, यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को येस कर दीजिए। इसके नीचे वाले भी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को येस कर दीजिए और यहाँ पर अपने जीएसटी नंबर रिलेटेड डिटेल डाल देते हैं, सिंपल Ctrl+Alt+V और इसको ऐसे Ctrl+S एक्सेप्ट करा दीजिए। तो यहाँ पे हम टैली के अंदर अपनी जीएसटी की डिटेल को इनेबल कर चुके हैं। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपनी एक्सेल शीट को टैली के अंदर इंपोर्ट करके दिखाएं। इससे पहले भी हमने एक टीडीएल फाइल बनाई थी जिसके अंदर हमने एक्सेल टू टैली सारी की सारी स्टॉक आइटम को इम्पोर्ट करना सिखाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। उसके अंदर हमने अपनी सारी की सारी स्टॉक आइटम को एक्सेल टू टैली में इंपोर्ट करके दिखाया था और इस वीडियो में अपने सारे के सारे लेजर को एक्सेल टू टैली इंपोर्ट करके दिखा रहे हैं। तो आइए एक बार हम आपको एक्सेल शीट दिखा देते हैं। ये हमारी वो एक्सेल शीट है,
इसके अंदर आप देखेंगे हमने पहले से अपने सारे के सारे लेजर अपनी पार्टीज के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे उनका ग्रुप लिखा हुआ है, कौन सा हमारा सेंट्री डेटर है, कौन सा हमारा सेंट्री क्रेडिटर है, यहाँ पे उनकी कंट्री, इसी हिसाब से यहाँ पे उनका स्टेट, सारे दिल्ली और कुछ हमारे हरियाणा के हैं, सारे के सारे हमारे रेगुलर रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर, और यहाँ पे उनका GST नंबर। तो एक ही क्लिक के अंदर ये सारे के सारे लेजर हमारे विद GST नंबर एक्सेल से टैली में इंपोर्ट हो जाएंगे। काफ़ी एडवांस TDL फाइल है, तो आइए देखते हैं। सिंपल इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में आइए और सिक्योरिटीज़ वाले टैब में आके ऑब्जेक्ट नेम इसका पूरा कॉपी कर दीजिए। ध्यान रहे यहाँ से इसका पूरा नाम ही कॉपी करना है, नहीं तो वर्क नहीं करेगी। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से आप टैली सॉफ्टवेयर में आ जाइए और यहाँ से अकाउंट इन्फो में आ जाइए। अकाउंट इन्फो में हम देखेंगे नीचे की तरफ आपको एक नया ऑप्शन शो हो रहा है, ये ऑप्शन अभी आपकी टैली में शो नहीं हो रहा होगा, जिसका नाम है GST लेजर मास्टर इंपोर्ट। लेकिन जैसे ही आप इस TDL फाइल को लोड कर लेंगे ये ऑप्शन आपकी टैली में भी शो होने लग जाएगा। तो सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करते यहाँ पर हमसे पूछ रहा है इम्पोर्ट फाइल नेम, तो यहाँ पर अपनी एक्सेल फाइल का पूरा नाम दे दीजिए जो भी हमने कॉपी किया था, Ctrl Alt V। और सिंपल देखिए जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे इसके बाद हमारी इंपोर्टिंग स्टार्ट हो गई है। इसकी स्पीड आपकी एक्सेल शीट के ऊपर डिपेंड करती है, जितनी बड़ी आपको एक्सेल शीट होएगी उतना इसमें टाइम लग जाएगा। तो सिंपल ये 100 हो चुकी है। तो देखते हैं अब हमारे सारे के सारे लेजर हमारे टैली के अंदर एक्सेल टू टैली इंपोर्ट हुए या नहीं। तो यहाँ पे गेट ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंट्स इन्फो में आ जाइए, लेजर्स में आ जाइए और यहाँ से डिस्प्ले में आ जाइए। तो डिस्प्ले में आपके देखेंगे एक ही क्लिक के अंदर हमारे जितने भी लेजर्स थे जो हमारी एक्सेल शीट के अंदर थे वो सिंपल हमारे टैली के अंदर इंपोर्ट हो चुके हैं। तो ये एक बार हम चेक कर लाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारा आदित्य विनायक था, तो ये देखते ही हमारा इंपोर्ट हुआ है। सबसे ऊपर ही हमारा शो हो रहा है, इसके साथ हमें शो हो रहा है ये हमारा संडी डाटा था, यहाँ पे दिल्ली की पार्टी थी और ये इसका GST नंबर। तो अब देखेंगे आप इसका GST नंबर भी सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो टैली की काफ़ी एडवांस और अमेजिंग TDL फाइल है। इस TDL फाइल की मदद से हम एक ही क्लिक के अंदर जितने भी हमारे लेजर्स हो हम सबको सिंपल एक बार एक्सेल शीट उसकी मेंटेन करके रखनी है, और फ्यूचर में अगर आपको कभी किसी कंपनी के अंदर लेजर्स डालने हो तो एक ही क्लिक के अंदर आप इस TDL फाइल की मदद से उन सबको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप टैली की इस एडवांस और अमेजिंग TDL फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सअप के थ्रू टैली की ये और बाकी सारी TDL फाइल्स प्रोवाइड करा देंगे। हमारे पास टैली की काफ़ी सारी अमेजिंग TDL फाइल्स हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको टैली, ईबेबिल और GST से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।